ब्रेकिंग न्यूज है, कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इस सूची में 48 उम्मीदवारों के नाम हैं और जो कुछ खास खास नाम है वो मैं आपको बता देता हूं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, वो अपनी सीट साकोली से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को कराड दक्षिण से टिकट दिया गया है। इस सीट से वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। मोहम्मद आरिफ नसीम खान चांदीवली से लड़ेंगे और सुनील देशमुख अमरावती से, ये वहां से पहले भी विधायक रह चुके हैं। महाराष्ट्र की लिस्ट पर और जानकारी लेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है, कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की है 48 नामों की और उसके पहले एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी है उसने भी अपने 45 नामों की लिस्ट आज जारी की थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े इस वक्त जुड़ गए। रौनक, का कोई ऐसी खबर, कोई ऐसा नाम कांग्रेस की सूची में जो आश्चर्यचकित करने वाला हो? जी देखिए सुमित जी, इसमें आश्चर्यचकित करने वाला फिलहाल तो कोई नाम नहीं नजर आ रहा, लेकिन एक बात इस कांग्रेस की लिस्ट से देखने को मिल रही है कि कांग्रेस ने मुख्य तौर पर अगर देखे तो मुस्लिम उम्मीदवारों को अपनी लिस्ट में यहाँ पर जगह जो है कांग्रेस पार्टी देती हुई दिख रही है, जो कि लोकसभा चुनाव में देखने को नहीं मिला था और उसको लेकर काफी ज्यादा कांग्रेस पार्टी के भीतर जो है वो इसको लेकर आवाज भी उठी थी। कई जो उनके मुस्लिम पदाधिकारी है उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से मुलाकात की थी, पृथ्वीराज चव्हाण से मुलाकात की थी और अपनी जो बात है वो रखने की कोशिश की थी। मुंबई में 4 मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ पर इस बार कांग्रेस पार्टी ने उतारे और निश्चित तौर पर हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मुस्लिम कंसोलिडेट हुए थे उसका कहीं ना कहीं फायदा महाविकास आघाड़ी को हुआ था और इसीलिए आप जैसे हम खबर में भी दिखा रहे कि नसीम खान जो कि 2019 में विधानसभा का चुनाव महज 1000 वोटों से हार गए थे, उन्हें चांदीवली सीट दी गई है। ये सीट अगर देखा जाए तो वैसे शिवसेना के पास आती है, लेकिन शिंदे गुट के साथ शिवसेना के विधायक जाने की वजह से ये सीट कांग्रेस को मिली है और कांग्रेस ने अपनी सीट यानी जिशान सिद्दीकी की सीट जो है वो शिवसेना को सौंप दी है। मुख्य तौर पर आखिरी दौर में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कुछ कांग्रेस के बड़े नेता जिशान सिद्दीकी के भी संपर्क में थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लिहाजा अब ये जगह शिवसेना के कोटे में वरुण सरदेसाई को दे दी गई है। अभी एक पहली सूची आई है और कल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, जिन सीटों पर विवाद है हो सकता है कि उसको लेकर भी क्लैरिटी हो जाए। एक दो चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे, जैसे आपने मुसलमानों की बात की तो 4 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम इस सूची में मैं पढ़ पा रहा हूँ, मीरा भयंदर से सैयद मुजफ्फर हुसैन, मलाड वेस्ट से असलम शेख साहब, चांदीवली से आरिफ नसीम और मुमरा देवी से आमीन पटेल। लेकिन मेरा सवाल रौनक ये है, ये जब अलायंस पार्टनर सीट शेयरिंग पर बात कर रहे थे तो कहा गया कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी और 100 या 105 सीटों पर लड़ेगी, पर कल नारा दिया गया 85 85 85 का, तो क्या अभी भी ये तय हो पाया इन तीनों पार्टियों में कि सबसे अधिक सीटों पर कौन लड़ेगा और वो कितनी सीटें होंगी? जी देखिए सुमित जी, जो मेरी जानकारी है और जो हमने एनडीटीवी इंडिया पर भी खबर दिखाई थी और मुख्य तौर पर जो मेरी जानकारी है, लगभग कांग्रेस को 104 सीटें मिलेगी जब ये पूरी तरीके से जो बाकी सीटें बची हुई है उसका मामला सुलझ जाए। मुझे लगता है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी और लगभग सेंचुरी अगर सीटों के मामले में अगर बात करें तो कांग्रेस 104-101 के बीच में सीटें जो है पाने में कामयाब हो पाएगी और कल दिल्ली में इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ महाराष्ट्र कांग्रेस की जो कोर कमेटी है उनके साथ होने जा रही है। लेकिन रौनक, शिवसेना उद्धव ठाकरे ने बहुत साफ कांग्रेस पर प्रेशर बनाया था कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करिए फिर चुनाव में चलिए। कांग्रेस अगर 104 सबसे अधिक सीटों पर लड़ने वाली है तो क्या शिवसेना 100 से कम या 104 से कम पर मान जाएगी? जी देखिए, फिलहाल अगर मुख्य तौर पर सहयोगी पार्टियों को भी एडजस्ट करना है, जैसे समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से ऑलरेडी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये बात महाविकास आघाड़ी के नेता और खासतौर से शरद पवार इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी अलग लड़ी तो मुस्लिम वोटों में इसका बिखराव हो सकता है और इसका सीधा सीधा खामियाजा महाविकास आघाड़ी पर होगा और ना केवल मुंबई बल्कि मुंबई से सटे इलाके ठाणे मुमरा जैसे इलाके है या फिर मालेगांव के नाशिक जैसा इलाका हो जहां पर मुस्लिम वोट काफी निर्णायक साबित होते हैं और इसीलिए
अगर समाजवादी पार्टी से सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं हुई तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और इसीलिए शरद पवार के कहने के बाद फिलहाल कोई बड़ा भाई ना हो इसलिए 85-85-85 का फॉर्मूला मीडिया के सामने आकर बताया गया है। लेकिन सुमित जी, जो मेरी जानकारी है, इस सीट बंटवारे में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस होगी और शिवसेना के पास भी बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, इसीलिए दबाव बनाने के बावजूद उनको कांग्रेस पार्टी की बात जो है मानने पड़ेगी। ये कब तक क्लियर हो जाएगा? कितनी कितनी सीटें एमबीए में? कल देर शाम तक क्लियर हो जाएगा। जो जानकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि विदर्भ की 12 उन सीटों को लेकर मामला फंसा हुआ है और उन सभी सीटों पर कांग्रेस का ही पलड़ा भारी है। कुछ एक सीटें निश्चित तौर पर बार्गेनिंग में उद्धव ठाकरे को दी जा सकती है। जी, यानी अभी विदर्भ को लेकर असली मार चल रही है कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे के बीच। शुक्रिया रौनक इस जानकारी के, इस बातचीत के लिए। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक और मैसेज आया है। झारखंड के भी 7 और नामों की सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है। इस वक्त ये खबर भी आ रही है, झारखंड के भी 7 नए नाम नई लिस्ट में हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक और सूची झारखंड की जारी की है। निषाद आलम लड़ेंगी पाकुर से, बरही से लड़ेंगे अरुण साहू, कांके से लड़ेंगे सुरेश कुमार बैठा, पनकी से लड़ेंगे लाल सुराज, डाल्टनगंज से लड़ेंगे KN त्रिपाठी, विश्रामपुर से लड़ेंगे सुधीर कुमार चंद्रवंशी और छतरपुर की एक और रिजर्व सीट है, यहाँ से राधा कृष्ण किशोर। यानी 7 नामों की घोषणा झारखंड के भी कांग्रेस पार्टी ने अभी एक नई सूची में जारी कर दिए हैं।